हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों, मैं विवेक फ्रॉम विवेक कॉमर्स क्लासेस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी हमने लास्ट क्लास में डन किया, एपी के हमने क्वेश्चन करे, कंसेप्ट किया, अब हम स्टार्ट करेंगे जीपी। एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस में, और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ जो हमारी ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हमारी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉड्यूल हम क्लास में कवर अप करते हैं, मॉड्यूल को करने के बाद ठीक है जो टाइम बचेगा उसमें हम अपनी बुक्स करेंगे, बुक्स कर रहे हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है, बहुत सारी चीजें होती है वन बाई वन। तो यूट्यूब पे तो थोड़ा बहुत ही कंटेंट रहता है, बट मैक्सिमम कंटेंट जिन बच्चों को चाहिए, जो फुल कोर्स के लिए हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप पर। ठीक है, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव क्लासेस, किसी भी तरीके से जिसमें हम आपको पूरी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, फुल कोर्स, साथ में रिविजन्स, एग्जाम्स, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर की सॉल्विंग, मॉक टेस्ट पेपर, रिविजन टेस्ट पेपर, क्लास टेस्ट, जिसमें एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ने का एक एनवायरमेंट बन जाता है आपका। ठीक है, तो आपको एग्जाम क्लियर करने में काफी आसानी होती है जब एक बेटर वे में आप पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं बच्चों जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए जी, और जिन बच्चों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जल्दी से। ठीक है बच्चों, बाकी और जो हमारी कुछ वीडियो ही यूट्यूब पर आती है, बाकी सारी हमारी ऐप पर रहती है। चलो जी, तो हमने एपी स्टार्ट कर लिया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी बच्चों हमने कवर अप कर लिया था, आज हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करना है, जीपी से। जीपी में एक बार देखिए यहां क्या लिखा है, इफ इन अ सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस में ऑफ टर्म ईच टर्म इज कांस्टेंट मल्टीपल। वहां पे कांस्टेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा था, मतलब जो डिफरेंस था वो सेम था। अभी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द प्रीसीडिंग टर्म देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, द कांस्टेंट मल्टीप्लायर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। ओके, देखते हैं, एग्जाम्पल है 5, 14, 45, 135, इट मीन्स कॉमन रेशियो विल बी 3, कॉमन रेशियो विल बी 3। भाई 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15 आएगा, 15 को 3 से करो 45 आएगा, 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 135 आ जाएगा। इसी तरीके से 1, 1/2, 1/4, 1/9, इस तरीके से कॉमन रेशियो 1/2 है। ये वाला इन्होंने गलत लिख दिया, 1/9 नहीं होगा बच्चों, ये 1/8 होगा। ठीक है, अगला देखें, 2 - 6 = -14, यहाँ पर -3 है कॉमन रेशियो, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -6, -6 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों क्या आएगा -18, 18 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन आंसर माइनस में आएगा -54। तो इस तरीके से क्या होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए तो इसके कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, फिर इसके सीधे हम एक्सरसाइज पे आएंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बच्चों। तो अब देखते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, ये सारी चीजें, कंसेप्ट, टर्म्स निकालना, सारी चीजें सीखेंगे वन बाय वन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, एक्सरसाइज 6B के लिए, राइट। और बच्चों जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। CACMA फाउंडेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, एग्जाम फॉर्म वगैरह की इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है जो बच्चों से स्किप हो जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि आपको टाइम पे अपडेट्स मिल सके। चलिए जी बच्चों स्टार्ट करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है आज का। आज हमें बच्चों पढ़ना है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। मैंने आपको एपी कराया था लास्ट क्लास में, हमने क्या किया था एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा था एपी, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। एपी करने के साथ साथ हमने पीडीएफ से एक्सरसाइज फर्स्ट भी कंप्लीट कर ली थी, ये पूरे सॉल्यूशन, राइट। आई होप ये आपने बेटर प्रेजेंटेशन के साथ अपने मॉडल में अपने कॉपी में सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करें क्वेश्चन को। पहली बार जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तरीका यही रखें कि फुल प्रेजेंटेशन, जब हम सेकेंड टाइम सॉल्व करेंगे तो बच्चों कैलकुलेटर्स और शॉर्टकट यूज करें। शॉर्टकट कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, बट शॉर्टकट याद भी रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैथ्स का पेपर जो एमसीक्यू का पेपर होगा वहां पे जितना आप शॉर्टकट यूज कर पाएंगे वही बेटर है, शॉर्टकट ही बेटर है। बट फिर भी हम एक ऐसे नोट्स बनाएं जिनको हम खुद दोबारा देखें, एक बार रीड आउट करें तो हमें समझ में आ जाए हमने पढ़ा क्या था, क्या फॉर्मूले लगाए थे, एटलीस्ट इतना तो लिखा हो आपकी नोटबुक में।
तो आपने किस तरीके से नोट्स बनाए हैं, ठीक है, वो भी बच्चों आपको मेरे पास व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं एक बार, ठीक है। आपको वो भी मुझे सेंड करना है कि आपने एक्सरसाइज कैसे सॉल्व की है, वो मुझे फोटो भेजोगे, और जो आपने नोट्स बनाए हैं, फॉर्मूला वगैरह लिखा है, वो भी मुझे फोटो भेजोगे एक्सरसाइज ए का, एपी एंड जीपी का कंसेप्ट, ये सारी, और क्लास वर्क पूरा का पूरा। जब आप क्लास वर्क जो मैं क्लास में कराता हूँ उसके ऊपर हेडिंग डाल दें क्लास वर्क एंड डेट, क्लास में हमने क्या करा उसके ऊपर क्या लिखेंगे क्लास वर्क। जब आप खुद से नोट बनाओगे तो उसके ऊपर होमवर्क, ठीक है। तो क्लास वर्क का पार्ट अलग, होमवर्क का पार्ट अलग। तो आज हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करना है, चलिए तो देखते हैं जीपी। बच्चों जीपी का क्या कंसेप्ट है देखें एक बार। ओके, जीपी का एग्जाम्पल लिखते हैं पहले। अभी हमने देखा था 5 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था बच्चों, 15 आ गया था, देन 45 आ गया था, देन 135 आ गया था, राइट। इस तरीके से चलता रहता है। इट मींस अब पिछले वाले टर्म को किसी अमाउंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉन्स्टेंट अमाउंट से, तो नेक्स्ट टर्म निकलता आ रहा है। ओके, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, 15 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर बार 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस कॉमन रेशियो विल बी 3, कॉमन रेशियो क्या है 3 है। अब बच्चों किसी जीपी के अंदर कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, या फिर फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई थर्ड टर्म, या फिर सर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म करोगे तब भी वही आएगा। इट मीन्स किसी भी टर्म को उसके पिछले वाले टर्म से डिवाइड कर लिया जाए तो हमारा कॉमन रेशियो आता है। क्या आता है बच्चों निकल के, कॉमन रेशियो। तो सबसे पहले आप कॉमन रेशियो का फॉर्मूला लिख लें, कॉमन रेशियो इज टर्म डिवाइडेड बाई प्रीसीडिंग टर्म्स, टर्म डिवाइडेड बाई प्रीसीडिंग टर्म, ए टू डिवाइड बाई ए वन। ओके सर, ये तो आसान सी बात थी, ये तो हमें पहले से ही आता है। ओके बच्चों आता है तो अच्छी बात है, आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल और। चलो जी, 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 को करो फिर से 2 से, फिर 4 को भी करो 2 से, फिर 68 को भी करो 2 से, 16 को भी करो 2 से, फिर करो 2 से अगेन 64। ये जीपी है, ये क्या है बच्चों, एक जीपी है, राइट। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जैसे एपी में था सेम वैसे ही यहां पर भी होगा। दिस इज ए वन, ए टू कितना है बच्चों 2, ए थ्री कितना है 4, ए फोर कितना है हमारे पास 8, ए थ्री कितना है 16, और ए फोर कितना है हमारे पास, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ए थ्री 16 नहीं था, दोबारा से ए थ्री एंड ए फोर लिख दिया ना, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव 16, ए सिक्स 32, इस तरीके से, राइट। और देखते हैं ये टर्म्स है हमारी। अब देखो एग्जांपल, अब कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊंगा आपको कुछ। फर्स्ट टर्म इज अ 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3, 3 को अगेन 3 से करो 9 आ गया सर, 27 आ गया, देन 81 आ गया, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से ये चलता जाएगा। क्या है ये हमारा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी है, राइट। 1 3 9 27 81, दिस इज द फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 3, थर्ड टर्म क्या निकला बच्चों 9, फोर्थ टर्म है हमारे पास 27, एंड फिफ्थ टर्म है हमारे पास बच्चों 81, राइट। अगर यहां तक हमने कर लिया तो क्या हम सिक्स टर्म नहीं निकाल सकते, सेवेंथ नहीं निकाल सकते बच्चों, एट टर्म नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, थ्री से मल्टीप्लाई करते जाएंगे आता जाएगा। मैंने बोला सीधे डायरेक्ट ए 55 टर्म निकालो, ए 20 टर्म निकालो, तब आप कहोगे सर अभी तो कुछ फॉर्मूला चाहिए, फिर क्या चाहिए, कुछ फॉर्मूला चाहिए। तो अगर आगे जाना है एक्सीडिंग कुछ टर्म छोड़ के आगे के टर्म्स कैलकुलेट करने हैं तो फॉर्मूला होना चाहिए। क्या फॉर्मूला लिखाया जाए, ए एन का क्या फॉर्मूला इसमें लिखें बच्चों, ए एन का क्या फॉर्मूला होना चाहिए, ए एन का फॉर्मूला लिखो, ए आर की पावर एन माइनस वन, आर की पावर एन माइनस वन, ए आर की पावर एन माइनस वन। ये क्या होता है देखें बच्चों, अगर आपको ए फाइव निकालना है ना तो ए आर की पावर होनी चाहिए 4, एक कम। ओके सर, ए सिक्स निकालना है तो ए आर की पावर 5,
ठीक है, ये भी कर लेंगे। ए आर सॉरी, अगर हमें A4 कैलकुलेट करना है तो क्या करना चाहिए, AR की पावर 3, A कम करनी चाहिए, N-1, यही तो फॉर्मूला है, राइट। अब इस पे हम काम कैसे करते हैं, एक्चुअल में हम इस पे वर्क कैसे करते हैं बच्चों, देखें इसी का सॉल्यूशन देखें। अब सॉल्यूशन में ये देखें, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, दिस द फर्स्ट टर्म। R की वैल्यू कितनी है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, 3 डिवाइड बाई 1, तो 3 आ गया सर। या फिर 81 को 27 से कर दो भाई, किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दें, दिस विल बी आर। कॉमन रेशियो कितना है आर। अब कैलकुलेट करते हैं फिफ्थ टर्म, इस वाले को फिफ्थ वाला कैलकुलेट करके दिखाओ। ओके कैलकुलेट करते हैं, ए की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू 4, आर का मतलब है 3, 3 की पावर 4, फिर ए की वैल्यू अगेन 1, 3 की पावर 5, फिर ए की वैल्यू 1, 3 की पावर 3। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, सबसे पहले ये वाला करते हैं, 3 की पावर 3 करते हैं तो कितना आएगा। ठीक है, 3 की पावर अगर 3 करोगे तो कितना आएगा, 3 × 3 × 3, 27 × 1, तो 27 आ जाएगा। चेक करो बच्चों क्या ये सही है हमारा, देखो इधर A4 की वैल्यू 27, वेरीफाई हो गया, करेक्ट आंसर। 3 की पावर अगर 4 कर दिया जाए तो आएगा 81 × 1, 81, ये भी ठीक है हमारा। देखो A5 की वैल्यू 81 है, चाहे फॉर्मूले से निकाले चाहे आप ऐसे निकाले, ठीक है, कितना आ गया 81। फिर A5 सॉरी A5 की वैल्यू आ गई, अब A6 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को 5 बाई 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 5 बार, ठीक है, 3 की पावर 5 करेंगे तो आ जाएगा 243। ये बात तो आ गई समझ, यानी A6 क्या होगा, 243। 7 निकालना है तो AR6 कर दोगे, 8 निकालना है तो AR7 कर दोगे। ठीक है, लिखो इसको, नोट करो, फिर आगे बताता हूँ, फिर बताता हूँ कैलकुलेटर पे कैसे करना है। ठीक है, नोट करो। चलो जी बच्चों, एक बार कैलकुलेटर पे देखते हैं आप, कैलकुलेटर पे ये पावर्स को सॉल्व कैसे करेंगे, कैलकुलेटर पे काम कैसे होगा। आपको अपने कैलकुलेटर पे अगर 3 की पावर 3 करनी है या 4 करनी है या 5 करनी है तो कैसे, फर्स्ट यू हैव टू प्रेस 3, सबसे पहले आप क्या दबाएंगे, 3, 3 नंबर का बटन दबाना है, देन इक्वल इनटू 3, फिर इनटू, ठीक है, फिर इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू का बटन दबाना है और कुछ नहीं, जितनी बार आप इक्वल करेंगे वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। आप काउंट कैसे करना है देखो दोबारा से, सबसे पहले 3, फिर इनटू, जैसे इनटू करेंगे तो 1 गिन लेना, क्या गिनना, 1, इक्वल टू पे गिनना 2, अब ये स्क्वायर हो गया, 9 हो गया, क्यूब करनी है एक बार और दबा दो, 27 आ गया, 4 करना है 81 आ गया, 5 करना है एक बार इक्वल टू और कर दो, 243 आ गया। जैसे ही मैंने पावर 5 करी तो इधर कॉर्नर में ऊपर 6 लिखा हुआ आएगा, यानी कि 6 स्टेप हो चुके हैं। इन्होंने इसको 1 काउंट कर लिया था ना, 3 सबसे पहले हमने दबाया तो उसको 1 स्टेप काउंट किया, इसको इंटू दबाया, फिर इक्वल टू को इन्होंने 2 3 4 5, जितना भी करते जाओगे आप दिखते जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पावर करनी है, पावर कैसे करनी है कैलकुलेटर पे मैंने आपको बताया। ये सबसे पहले क्या करा, 3, देन इंटू, इंटू पे काउंट करना है 1, इक्वल टू पे करना है 2, 2 करते ही जैसे आपने 2 गिना तो आ गया 9, फिर इक्वल टू दबाना है 27, फिर 81, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो पावर कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बता दिया कैलकुलेटर पे, सिंपल सा काम है, कुछ भी टफ नहीं है, इजी है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया आपने, अब देखते हैं नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, फिर उसके बाद करेंगे कुछ नया। अच्छा, इसी इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, चलो ये कर लिया, एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं मैं, एक एग्जाम्पल और देखिए, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और इस एग्जाम्पल में हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं टर्म्स। अभी हमने टर्म का ही क्वेश्चन किया है, एक क्वेश्चन और, ऊपर वैल्यू ली थी हमने 139। चलिए फर्स्ट टर्म इस बार बच्चों ले रहे हैं 2, 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, सेकेंड टर्म हो जाएगा 6,
फिर अगेन 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 गुंडू किया 3 से, 6 आ गया, 6 गुंडू करो 3 से, 18, फिर 54। इस तरीके से ये भी क्या है हमारा जीपी है, ये भी क्या है हमारा एक जीपी है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन में देखो अब इस जीपी में क्या करना है, इस जीपी में कैलकुलेट, फर्स्ट टर्म तो गिवन है हमें 2 मिल गया, अब क्या निकालो, आर निकालो, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो 6/2 करो कितना आ जाएगा 3 आएगा, 18/6 कर दो तब भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया ये हमारा कॉमन रेशियो, इसे हम कहते हैं कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो में क्या करना है, अगर मैं आपको बोलू बच्चों इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म तो है, सेवन टर्म निकालो, तो क्या करोगे ए आर की पावर 6, ए आर की पावर क्या करनी है आपको 6 करनी है, राइट। ए की वैल्यू 2 है, आर की जगह पे हम रखेंगे 3, और 3 की पावर कितनी होगी 6। इसको सॉल्व करते हैं, 3 की पावर 6 है ना, 3 इंटू में 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6 किया तो आया 729, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 1458, कितना आ गया 1458, ये निकाल लिया हमने 7th टर्म। अब क्वेश्चन में बोले आपसे 9th टर्म निकालो, तो AR की पावर 8, अब 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर कितनी करनी पड़ेगी बच्चों 8, 3 की पावर 8 करते हैं, 3 फिर इंटू फिर इक्वल टू 3 की पावर हमने 8 करी तो आया 6561 इंटू में 2, तो ये आ गया बच्चों 13122। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, ये हमने A7 और A9, राइट। अब A7 और A9 की कैलकुलेशन बच्चों हमने कर ली है, ठीक है। ऐसे ही हम AN की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं AN की, वो देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट AN देन बेनिफिट्स ऑफ AN, ठीक है। AN की कैलकुलेशन करते हैं, AN का फॉर्मूला था हमारे पास AR की पावर N-1। इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, और आर की वैल्यू है 3, 3 की पावर N-1 कदम 2 इंटू में 3 की पावर N-1, यही है हमारा AN। अगर AN गिवन है तो क्या AP बना सकते हो, यस सर बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें 1 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म निकल के आ जाएगा 2 इंटू में 3 की पावर 1-1, 3 की पावर 0 हो जाएगी, ये तो हो जाएगा 1, और 1 इंटू में 2 आंसर आएगा 2, 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 की पावर 2-1, 3 की पावर 2-1, तो 3 इंटू में 2 आंसर आएगा 6, देखो सेकेंड टर्म 6 है, ओके। अगर 7 निकालना है तो 2 इंटू में 3 की पावर 7-1, इसका मतलब 2 इंटू में 3 की पावर 6, तो यही आ जाएगा आंसर 1458। ए एन के ये बेनिफिट्स होते हैं कि हम ए एन से किसी भी टर्म पे जा सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए आप, ए एन का कंसेप्ट हो गया हमारा, टर्म्स का कंसेप्ट हो गया, ये दो कंसेप्ट आप नोट करिए पहले अच्छे से, देन करते हैं आगे। ये वाला हो गया, दो क्वेश्चन मैंने आपको करा दी, राइट। चलो जी आगे देखें, अगला टॉपिक मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक जो अब है हमारा बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, सम, जीपी में सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। जीपी स्टार्ट किया हमने, जीपी में सबसे पहले हमने क्या फॉर्मूला लिखा, ए एन का, ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए आर की पावर N-1, ये कंसेप्ट हमने डन कर लिया है।
अब देखते हैं एस एन, तो दोनों क्वेश्चन में मैं आपको सिखाऊंगा, इस वाले क्वेश्चन में भी ठीक है और नेक्स्ट वाले में भी एस एन कैलकुलेट करके। तो अब चलते हैं हम अपने सम कैलकुलेशन में, सम कैसे निकाला जाता है। लिखिए बच्चे एस एन का फॉर्मूला लिख लो, एस एन का क्या फॉर्मूला होता है। ए इंटू में आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, इस फॉर्मूले को लिखो। एक और होता है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले पे अभी काम करते हैं और इसे हम सॉल्यूशन निकालें। सम का फॉर्मूला है हमारे पास ए आर की पावर एन माइनस का वन, और नीचे क्या है अपॉन में आर माइनस वन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना था, वन, और आर कितना था, थ्री। ए वन है हमारे पास और आर कितना है बच्चों, थ्री है, राइट। अब यहां पर पहले तीन टर्म जोड़ो, वन थ्री और नाइन को ऐड करो, वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस नाइन। सम ऑफ थ्री टर्म्स बताओ कितना आ रहा है, सम ऑफ थ्री टर्म्स वन थ्री नाइन, इस तरीके से था ना, वन थ्री नाइन, फिर 27 था लेस, फिर 81 था, इस तरीके से। अगर मैं पहले तीन टर्म को एड ऑन कर दूं तो कितना आएगा, 14, सॉरी 13, कितना आएगा, 13 आएगा, राइट। अब इसको फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं, एस एन वाले फॉर्मूले से एस थ्री कैलकुलेट करते हैं। एस थ्री इक्वल टू कितना, पहले ए की वैल्यू वन, आर की पावर थ्री, सॉरी एस थ्री है ना, हाँ, तो आर थ्री है, थ्री की पावर थ्री माइनस का वन डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वन। थ्री की पावर थ्री यानी कि 26, 26, हाँ 27, 27 वन, 27 में से वन माइनस करो कितना आ जाएगा, 26 डिवाइडेड बाई टू, कट के कितना आ जाएगा ये 13। ये तो वेरीफाई हो गया, देखो पहले तीन टर्म का सम जोड़ने पे भी 13 आ रहा था और फॉर्मूला से भी 13 ही आ रहा है। ओके सर, फोर टर्म्स का निकाल के दिखाओ, यहां तक 13 था और 27, एस फोर कितना है, 40 हो जाएगा। फिर कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ फोर टर्म, फॉर्मूला क्या होगा, ए ए की वैल्यू वन, फिर आर की पावर फोर माइनस का वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। थ्री की पावर फोर है, थ्री की पावर फोर टू, सॉरी थ्री इंटू में टू थ्री 81, 81 माइनस वन कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई टू, कितना आ गया आंसर देखो 40। इसी तरीके से कितने भी टर्म का हम सम निकाल सकते हैं। चार टर्म का निकाला, पांच टर्म का निकालें तो कितना आएगा भाई। अगर एस फाइव की बात की जाए तो पांच टर्म का सम कितना हो जाएगा, वन प्लस थ्री प्लस नाइन प्लस 27 प्लस 81, दिस इज 123। चलो जी पांच टर्म का सम भी कैलकुलेट करते हैं, एस फाइव भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। यहां पर भाई ए की जगह पे वन इंटू में थ्री की पावर फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वन, थ्री की पावर फाइव 243 माइनस वन, तो 242 डिवाइडेड बाई टू माइनस का पहले वन फिर डिवाइड बाई टू 121। ये गलत कर दिया क्या, 242 डिवाइडेड बाई टू 121 आ रहा है भाई, ये गलत जोड़ दिया होगा ना, वन प्लस थ्री प्लस नाइन प्लस 27 40 और 81 121 है, ये 123 नहीं है बच्चों, 121, ठीक है। फॉर्मूले से भी वही आएगा जो यहां पर एड ऑन करके आ रहा है, यहां से यहां तक के टर्म्स एड करने पे भी 121 आ रहा है और फॉर्मूले से भी कितना आ रहा है, 121, एज इट इज आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा दोनों से, ठीक है। सर एन टर्म निकाल के दिखाओ, सम ऑफ एन टर्म, एस एन, एस एन निकाल के दिखाते हैं, एस एन कैलकुलेट करते हैं बच्चों, सम ऑफ एन टर्म। तो क्वेश्चन वही फॉर्मूला था हमारे पास, ए आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, तो एस एन ए की वैल्यू तो वन हो जानी है, आर है थ्री की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन यानी कि थ्री माइनस वन, तो थ्री की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, एस एन आ गया हमारा। एस एन कितना आ गया हमारे पास बच्चों, थ्री की पावर एन माइनस का वन डिवाइडेड बाई टू, राइट। अब जो हमारे पास एस एन आया है,
इसके क्या बेनिफिट है बच्चों? SN में अगर 5 पुट करोगे n की जगह तो आंसर आएगा 121। देख लो 3 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो 3 की पावर 5 करेंगे तो आएगा 243, उसमें से माइनस 1 करोगे तो आएगा 242, डिवाइड करोगे 2 से तो आ जाएगा 121। यानी कि SN में भी अगर n की वैल्यू में 5 डालूंगा तो आंसर कितना आएगा 121। अगर SN में सर s की वैल्यू 3 डालेंगे तो कितना आएगा, तो 3 की पावर 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 यानी कि 2, और 3 की पावर 3 होता है 27, 27 माइनस 1 26 डिवाइड बाई 2 यानी कि 13। देख लो वेरीफाई हो गया, ठीक है नोट करिए एस एन और सम ऑफ एन टर्म सारा का सारा ये नोट करिए। ये लीजिए ये वाला कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा, इसको नोट कर दो। सारी चीजें सारे फॉर्मूले बिल्कुल साफ सुथरे नोट करने हैं आपको, ठीक है बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल साफ सुथरे फॉर्मूले नोट करने हैं आपको। बिल्कुल फेयर वर्क की तरह आप इसको नोट करेंगे। ठीक है ये वाला हो गया, इसी फॉर्मूले को बच्चों अप्लाई करते हैं सेकंड वाले में। एस एन हो जाएगा तो फिर हम सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे और अपनी एक्सरसाइज बी की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो फिर एग्जांपल टू हमने ये लिया था, इसी क्वेश्चन में एस एन निकालते हैं। देखिए बताओ पहले तीन टर्म को जोड़ के बताओ, अगर S3 निकालना है तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, A R की पावर 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1, राइट। अब A की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है, सेकंड क्वेश्चन में सर, सेकंड क्वेश्चन में तो है अब A की वैल्यू 2, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू तो 3 है इसमें भी, तो 3 की पावर 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1, 3 माइनस 1 तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 की पावर 3 माइनस का 1 यानी कि 27 माइनस का 1 कितना हो जाएगा बच्चों 26। यहां से एड ऑन करके देखो 18 2 20 और 6 26, वही आ रहा है ना। देखो पहले तीन टर्म को जोड़ लो आप तब भी कितना आ रहा है 26, और यहां से फॉर्मूले में पुट कर लो तब भी कितना आएगा 26। ऐसे निकाल के देखते हैं सर, एस एन निकाले, एस एन आए 2 R की पावर 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा 2, आंसर रह जाएगा 3n माइनस का 1। एस एन कितना आ गया हमारे पास 3n माइनस 1। अब एस एन में पुट करके देखते हैं 3, अगर n इक्वल टू 3 है तो एस एन कितना आएगा 3 की पावर 3 माइनस का 1, यहां से भी आ रहा है आंसर 26। ओके एसएन तो काफी अच्छी चीज है, एसएन से हम किसी भी टर्म पे जा सकते हैं, ठीक है। तो और आगे चलते हैं, क्या पांच टर्म का सम निकाल सकते हैं एसएन से, निकाल के देखते हैं 3 की पावर 5 माइनस का 1। अब 3 की पावर 5 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 की पावर 5 करने पे आ रहा है 243 माइनस का 1, तो आंसर आ रहा है 242। चेक कर लेते हैं 242 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, एड ऑन करके 1 2 3 4 5 टर्म एड ऑन करने, तो 54 के बाद नेक्स्ट टर्म होगा बच्चों 162, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 162। अब पांच टर्म को जोड़ के देखो 2 + 6 + 18 + 54 + 162, आंसर आ रहा है 242। आंसर कितना आ रहा है 242 एज इट इज, और हमने फॉर्मूले में सॉल्व किया वहां से भी कितना आ रहा है 242। तो एस एन लिख लो, ये वाला पोर्शन नोट करो ग्रीन वाला, एस एन इन सेकेंड एग्जाम्पल ऐसे लिख लेना, एस एन इन सेकेंड एग्जाम्पल, फिर ये वाला पार्ट नोट कर लो। काफी टफ चैप्टर होता है ये, इसमें उसको कराने में वैसे काफी टाइम लगता है, बट अगर आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे पूरे ध्यान के साथ, ठीक है
जब आप पढ़ रहे हो तो पूरा ध्यान पढ़ने पे लगाएं, तो आराम से समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ इतना टफ नहीं लगेगा फिर आपको। फिर इसके बाद अभी हम एस एन से ए एन पे चलेंगे, ठीक है? तो ये आप नोट कर लेना बच्चों अब, ठीक है? अगला पार्ट देख, एस एन कितना निकला था इसमें, एस एन निकला था 3n-1, ठीक है? इफ एस एन इज 3n-1, फाइंड जीपी, फाइंड जीपी, जीपी निकालो, जीपी निकाल के बताओ। फर्स्ट थ्री टर्म्स, फर्स्ट थ्री टर्म्स ये कैलकुलेट करके देने हैं, एंड ए एन भी कैलकुलेट करो। ओके, एस एन गिवन है, ए एन भी निकालो और फर्स्ट थ्री टर्म भी निकालो। तो क्या करेंगे बच्चों, जैसे एपी में किया था सेम वैसे ही, जिन्होंने एपी नहीं देखा उन्होंने वो पहले एक बार एपी को भी अच्छे से देख लें तो समझ में ज्यादा बेटर तरीके से आएगा। एस एन पहले वन निकालो, एस वन, 3 की पावर 1 माइनस का 1, 3 की पावर क्या करोगे आप, 1 करोगे, फिर माइनस का 1 करोगे, तो 3 माइनस 1 आया 2। एस 2 निकालते हैं, 3 की स्क्वायर यानी कि 9 माइनस का 1, 8, बस काम चल जाएगा इससे हमारा। A1 कितना हो जाएगा 2, और A2 कितना हो जाएगा, 8 में से 2 माइनस कर दो 6। तो R कितना निकल गया बच्चों हमारा, R निकल के आ गया सर 6 डिवाइड बाई 2 कर दो तो आ गया 3। भाई 8 में से 2 माइनस करोगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, पहला टर्म है 2 और दूसरा टर्म है 6, तभी तो ये 8 होगा। S2 दो टर्म को जोड़ने पे 8 आ रहा है, अगर पहला टर्म 2 है तो दूसरा कितना होगा 6, और कॉमन रेशियो क्या बन रही है हमारी 3। अगर कॉमन रेशियो बच्चों 3 बन रही है तो थर्ड टर्म क्या होगा, फर्स्ट है 2, 2 को मल्टीप्लाई करा था 3 से तो आ गया 6, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो आ जाएगा 18। कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं ए एन का फॉर्मूला लगा के, ठीक है? पहले तीन टर्म हमने कैलकुलेट करे, आप कैलकुलेट करते हैं बच्चों ए एन, ए एन का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन। ओके सर, ए की वैल्यू तो आई हमारे पास 3 नहीं सॉरी 2, इनटू में आर की जगह पे हमने रखा 3, 3 की पावर n-1, ठीक है? यही था ना, देखो एक बार ए एन निकाला था हमने, ये देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, दिस पोर्शन 2 इंटू में 3 की पावर n-1, और यहां पर भी क्या लिखा है हमने 2 की पावर 3 2 इंटू में 3 की पावर n-1 एज इट इज। नोट करें, अगर एस एन गिवन है तो हम ए एन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पोर्शन पूरा का पूरा नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितनी भी चीजें हैं बच्चों सारी अच्छे से नोट कर लेना। चलो जी बच्चों आगे का पोर्शन देखते हैं आप, सेम यही एस एन से ए एन पे जाना एक क्वेश्चन में और कर लेते हैं, वो पहले वाले एग्जाम्पल में। इसमें तो कर लिया हमने 2 6 8 वाले में, ठीक है? इस वाले एग्जाम्पल में 1 3 9 7 वाले में, इसमें एस एन निकाला था क्या हमने, एस एन निकाला था 3 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2 आया था, राइट? तो एक क्वेश्चन में यहां पर लिख रहा हूं, अगला क्वेश्चन लिखें, इफ एस एन इक्वल टू 3 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2 है तो फाइंड द जीपी। फाइंड क्या करना है बच्चों, जीपी करना है, फाइंड थ्री टर्म्स जीपी के, और ए एन भी कैलकुलेट करना है। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। एस एन गिवन है ना, तो एस एन के साथ सबसे पहले एस वन निकालो, तो 3 1 3 माइनस का 1 2 डिवाइड बाई 2 तो आएगा 1। एस टू कैलकुलेट करो सर, एस टू तो 3 की स्क्वायर होगा 9 माइनस का 1 8 डिवाइड बाई 2,
फोर आ गया, कितना आ गया, फोर आ गया, फोर आ जाएगा ना, थ्री थ्री जा नाइन माइनस का वन, थ्री थ्री जा नाइन माइनस का वन, तो एट डिवाइडेड टू फोर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, जो एस वन होता है वही ए वन होता है, ए टू कितना होगा, ए टू निकाल लेंगे, फोर माइनस का वन। देखो पहला टर्म है वन, एक टर्म को जोड़ने पे तो एक ही टर्म्स आएगा ना, तो वन आ गया। सम ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म्स को जोड़ने पे फोर आ रहा है, जिसमें से पहला टर्म अगर वन है तो दूसरा कितना होगा, थ्री होगा, क्लियर है, थ्री और वन तभी तो फोर बना होगा, राइट। ओके सर, तो कॉमन रेशियो कितना होगा, थ्री डिवाइड बाई वन, थ्री डिवाइड बाई वन करेंगे तो आएगा थ्री, कितना आएगा, थ्री आएगा, ये भी बात पता चल गई। सर हमने ये यहां तक तो कैलकुलेट कर लिया, अब आगे क्या करें, अब फर्स्ट थ्री टर्म्स निकाल लो, फर्स्ट टर्म आ गया, सेकेंड आ गया, थर्ड टर्म भी निकाल लो, थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो नाइन, अगला भी निकाल लो फोर, नाइन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो ट्वेंटी सेवन, कितने भी निकाल लो, वन थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन, यही रहा होगा, देखें यही है ना, देखो इधर वन थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन एटी वन, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, ये हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया, एग्जाम में वेरीफाई नहीं करना आपको, बस सॉल्व करना है, एमसीक्यू में टिक लगा देना है, ठीक है बच्चों। और एग्जाम में किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करके आना है पेपर, वो भी हम सीखेंगे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करते हैं, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना चाहिए, क्या पहले सॉल्व करना चाहिए, क्या बाद में सॉल्व करना चाहिए, जिससे आपके नंबर भी ज्यादा आ सके, ठीक है, वो सारी चीजें भी हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए जी, वन टू थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन, ये तो आ गया, हमें टर्म्स निकालना, ए एन निकालते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ए आर की पावर एन माइनस वन, ए पता है मुझे वन है, इसमें आर है थ्री, थ्री की पावर एन माइनस का वन, तो थ्री की पावर एन माइनस ए की पावर आर एन माइनस वन, तो कितना था, ए ए की वैल्यू वन थी, ओके, आर की वैल्यू थ्री थी, थ्री की पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ए एन, ए एन इतना था क्या, वेरीफाई कर लो, ए एन सर इसका कहाँ गया, ए एन, अच्छा सबसे पहले हमने इधर निकाला था, इसमें ए एन नहीं निकाला था क्या हमने, अच्छा है वन थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन, एस एन निकाला था, ए एन नहीं निकाला था इसका, ठीक है कोई बात नहीं, तो एस एन से ए एन पे भी जा सकते हैं, ठीक है। ए एन कितना आ गया, थ्री की पावर एन माइनस वन, ये भी नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करिएगा इसको, इम्पोर्टेंट। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हम आगे के पार्ट में देखेंगे, अभी वाली क्लास में, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट पार्ट में, तो जीपी की क्लास में अगला जो पार्ट है अब हम उसमें पढ़ने जा रहे हैं, क्या चीज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज ए कर लिया था, किसी को कोई डाउट है तो मुझे सेंड कर देना, ठीक है, बाकी एक्सरसाइज बी की प्रैक्टिस करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, इसको नोट कर लो अच्छे से।